Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the Edumentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs without wasting any further time. So the first and foremost current affair is Kakrapar Nuclear Power Plant. आपको पता है इंडिया आजकल न्यूक्लियर एनर्जी में डेवलपमेंट कर रहा है. न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट ओनली अबाउट यू नो न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्सो डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट. सो ये जो काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसका मेन एम यही है कि जो इंडिया में एनर्जी रिक्वायरमेंट है, मेजरली इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है, उसे फुलफिल किया जाए. सो इन द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज एनर्जी सेक्टर, रिसेंटली आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस दैट 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन द काकरापार गुजरात हैज़ कमेंस इट्स ऑपरेशन एट मैक्सिमम कैपेसिटी, है ना. तो इसने अपने ऑपरेशन को मैक्सिमम कैपेसिटी तक बढ़ा दिया है. वेयर द काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, वेयर इट इज सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड इन गुजरात, राइट. तो थोड़े से हम देख लेते हैं इंडिया में जो अभी प्रेजेंटली मेजर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, राइट. सो वी कैन सी दैट लाइक यू नो वी हैव काकरापार इन गुजरात, वी हैव तारापुर इन महाराष्ट्र, वी हैव काइगा इन कर्नाटका, वी हैव कुंदनकुलम, ये जो हमने रशिया की हेल्प से बनाया कुंदनकुलम इन तमिलनाडु, काला कालपक्कम इन तमिलनाडु अगेन, एंड नरोरा इन उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में नरोरा है, तो दैट इज़ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट. और एंड ऑब्वियसली रवात भाटा इन राजस्थान. सो यू कैन सी दीज आर द मेजर यू नो 6-7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो इंडिया में है, और धीरे धीरे हम और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है. तो ये याद रखना है, रवात भाटा, तारापुर, काइगा, कुंदनकुलम, कालीपक्कम एंड नरोरा, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करेंट अफेयर. रिसेंटली नोबल फाउंडेशन, क्योंकि आपको पता है अभी नोबल प्राइज़ हर साल अक्टूबर नवंबर के अराउंड नोबल प्राइज़ दिए जाते हैं, राइट. सो नोबल फाउंडेशन ने अपने डिसीजन को रिवर्स कर दिया है टू इन्वाइट रशियन एम्बेसडर. यू एवरीबडी इज़ यू नो अवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, और जब से रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है तो बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के अगेंस्ट सेंशंस लगाए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्सेट्रा. बहुत सारी मेजर मीटिंग्स में भी रशिया को इन्वाइट नहीं किया जा रहा है, राइट. एंड इन दिस रीसेंट डेवलपमेंट द नोबल फाउंडेशन हैज़ डिसाइडेड टू कैंसिल इट्स इन्विटेशन टू रशियन एम्बेसडर फॉर इट्स दिस ईयर्स, दैट इज 2023 ईयर्स नोबल अवार्ड सेरेमनी दैट विल बी टेक प्लेस इन स्टॉकहोम, राइट. तो स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है, तो हर साल नोबल सेरेमनी दी जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है कहाँ पर, स्टॉकहोम में. और इस बार डिसाइड किया गया था कि भाई रशिया के एम्बेसडर को नहीं बुलाएंगे ओपनिंग सेरेमनी में, एंड द रीज़न इज एविडेंट बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर. हाउएवर द नोबल फाउंडेशन हैज़ रिवर्स दिस डिसीजन, राइट. सो यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट. Also, every year the Nobel Prize is given in the field of physics, in the field of medicine, in the field of chemistry, in the field of literature, in the field of economics. Please remember this point कि Nobel Prize mathematics में नहीं दिया जाता, right? Maths category में नहीं दिया जाता. Maths category में we have a prize called as Abel Prize, जिसे हम Nobel के equivalent मानते हैं, right? Literature, peace इन सब में Nobel Prize दिया जाता है. Nobel Prize is, you know, started by because of the efforts of Alfred Nobel. तो Alfred Nobel जिन्होंने dynamo को invent किया था, right? He invented dynamo. तो जब इन्होंने dynamo invent किया था, तो उनकी invention के बाद से आपका Nobel Prize हमेशा दिए जाते हैं. तो Nobel Prize name is you know deciphered from Alfred Nobel, who is the founder of dynamo, right? This point you have to remember. चलते हैं बेटा आगे to the next current affair. Before that, you can see this country called as Sweden, right? Sweden, Sweden की capital here you can see is Stockholm, right? So Stockholm is the capital of Sweden. And इसके बराबर में आपको दिख रही होगी Norway. And here you can see Finland. So these Sweden, Finland and you know Norway, these are also called as Scandinavian countries. Because जो Scandinavian mountain ranges है ना, वो आपके इन तीनों countries से आपका pass होती है. और ये तीनों कंट्रीज ही आपकी नोबेल प्राइज़ देती हैं. हालांकि जो नोबेल पीस प्राइज़ होता है, राइट, नोबेल पीस प्राइज़ जो होता है वो नॉर्वे के थ्रू दिया जाता है. एट द कैपिटल ऑफ नॉर्वे इज ओस्लो, राइट. सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. दीज थ्री कंट्रीज दे कम इन दी नदर हेमिसफेयर, ऑलमोस्ट यू नो टचिंग द
Arctic and the North Pole area. So this point you have to remember. Just then towards the next current affair. The next current affair is recently Toyota, India ka pehla aapka ek tarike se India ne recently apna BS6 model ke engines ko release karna start kar diya hai. BS6 engine mein flex fuel technology ki first car India mein aapki launch ho gayi hai. Right? So Toyota has unveiled its Innova Hygros prototype. A groundbreaking development for India automotive industry. To Toyota ki abhi Hygros aayi hai, right? Innova abhi in fact uski 1.5 saal ki to booking chal rahi hai Innova Hygros ki, hai na? The initiative aligned with the Indian government efforts to develop flex fuel technology. Ye India ki pehli aisi car hai jo flex fuel technology pe developed hai, following the global models like Brazil, Canada and United States, right? So this point you have to remember. Toyota की जो नई Innova Hygros है, it will be the first Indian car जो कि flex fuel technology पे आपकी developed है. BS6 की जो idea है, भारत स्टेज 6 की जो idea है, उसे ये fulfill कर रही है. So just see what is this भारत स्टेज 6. See, first of all, just remember this thing. हर एक country में ना एक आपका emission standards है. तो आप जैसे देखोगे ना, car के पीछे एक sticker लगा रहता है, जिसमें लिखा रहता है BS3, BS4, BS5, BS6, right? तो BS6 is basically the emission standard, right? India पहली country है जिसने BS4 से सीधे BS6 पर jump करा है. हमारे India में BS5 नहीं आया था. Like in the European country, there is BS5 also. There is EU5, वहाँ पे European 5 लिखते हैं, but India में हम BS use करते हैं, the भारत stage. ठीक है? तो India में BS5 नहीं आया था, direct BS4 से हमने BS6 की तरफ jump करा है. हालांकि it was implemented from the 1st April 2020. Mandate installing filters in the vehicle to cut out particulate matters from the exhaust. Basically, the emission, जो emission है, उसे आपका cut down करना है, right? Mandate on the onboard diagnostic of the vehicle maintenance. ठीक है? तो इन सारे efforts से basically क्या होता है? आपको पता है, जो आपकी cars वगैरह होती हैं, pollution करती हैं. ठीक है? तो उनका जो emission है, जो particulate matters होते हैं, particulate matter 2.5, particulate matter 10 microns. ठीक है, उनके emissions को control करा जाए, right? So BS, so India is currently in the BS6 stage, right? और first flex fuel technology वाली car आपकी Innova launch करी गई है अभी recently, किसके through? Toyota के through, right? Moving forward, now the opening of the 57th session of the UN General Assembly. अभी recently आपको बताया, हर साल, every year जो United Nations है, United Nation का United Nations Security General Assembly कि आपकी समिट होती है, ठीक है? तो 78 समिट अभी स्टार्ट होने वाली है 2023 में, राइट? एंड दिस विल बी कमेंस विद द डेनिस फ्रांसिस, ही इज अ डिप्लोमेट, यू नो, फ्रॉम ट्रिनिडाद एंड टोबैगो. सो टुडे दिस टाइम ही विल गोइंग टू, यू नो, हेड द जनरल असेंबली. ही विल बी द प्रेसिडेंट हु विल हेड द जनरल असेंबली. जनरली जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है, उसमें जितने भी यूनाइटेड नेशंस मेंबर होते हैं, they used to come together, they used to participate, they used to put their points, right? So ये सारी बातें आपको याद रखनी है. This is very much important, at you know, this meeting emphasizes the importance of, you know, addressing many global issues, global challenges. तो ये सब ध्यान रखना है. अब यहाँ पर हमें बात करनी है थोड़ी सी United Nations की, क्योंकि United Nations बहुत important topic रहता है हमेशा. तो as you all know that United Nations was established in the year 24th October 1945. इसीलिए हर साल हम 24 अक्टूबर को इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस डे बोलते हैं. यूनाइटेड नेशंस का मेन एम था टू एंश्योर इंटरनेशनल पीस, टू एंश्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, राइट? पूरी दुनिया में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंश्योर करना, जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड जैसा वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो. ठीक है, मेन एजेंडा ये था. यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन होते हैं, जिसमें एक होता है जनरल असेंबली, सेकंड इज सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ये कहाँ पर है? द हेग में है. ठीक है, द हेग में है. एंड सिक्स्थ इज सेक्रेटेरिएट. ठीक है, तो 6 आपके मेजर ऑर्गन्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के. अगर मैं यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर की बात करूँ तो वो USA में है, राइट? बट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर आपका द हेग में है, राइट? दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. यूनाइटेड नेशन यूज टू हैव 5 परमानेंट मेंबर,
right? It has 5 permanent member and 10 temporary member. हालांकि जो temporary members होते हैं, they used to, you know, are for the time period of 2 years. हर 2 साल बाद वो change होते रहते हैं. अगर मैं permanent member की बात करूँ, तो it is USA, it is UK, it is France, it is China, right? तो UK, USA, France, China, आपने देखा है, India अपनी डिमांड करता रहता है यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने के लिए. ठीक है, होपफुली यू नो इन अ मीन टाइम इंडिया भी कभी आपके यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनेगा. ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रशिया. तो दीज आर दी 5 परमानेंट मेंबर्स यू हैव टू रिमेंबर. आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट करेंट अफेयर. या दिस इज द हेडक्वार्टर बिल्डिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड इट इज इन USA, राइट. चलते हैं टू द लास्ट करेंट अफेयर. India's Air Force and Drone Federation of India to co-host Bharat Drone Shakti 2023. अभी आपको पता है drone technology पे इंडिया में काम चल रहा है. तो Indian Air Force, right? Air Force और Drone Federation of India, ठीक है, आपका लॉन्च करने वाले हैं भारत ड्रोन शक्ति एक्सरसाइज 2023. ठीक है, तो भारत ड्रोन शक्ति एक्सरसाइज 2023 अभी 26 सितंबर को होस्ट होने वाली है एंड इट विल बी गोइंग टू होस्ट एट द हिंडन एयरफोर्स स्टेशन इन गाजियाबाद यूपी. ठीक है, तो हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद यूपी में आपकी ये एक्सरसाइज होने वाली है. इट इज एंटिसिपेटेड दैट इट विल गोइंग टू पाइनियर इट इज बेसिकली अ पाइनियर एग्जीबिशन विच विल यू नो शोकेस इंडियाज ड्रोन इंडस्ट्रीज एंड देयर विल बी मोर देन 50 लाइव एरियल डेमोन्स्ट्रेशन. 50 से ज़्यादा एरियल डेमोन्स्ट्रेशन हमें दिखाए जाएंगे. यू कैन ऑल्सो सी यू नो द क्रिएटिव ऑफ दिस इंडिया ड्रोन शक्ति कहाँ पर होने वाली है, गाजियाबाद यू नो हिंडन एयरफोर्स स्टेशन. तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज ड्रोन टेक्नोलॉजी का आज के समय पर हम साइबर टेक्नोलॉजी को कट डाउन करने के लिए यू नो डिफेंस टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी हर जगह हम ड्रोन का आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं. इवन ई कॉमर्स से लेकर डिफेंस तक हर जगह हमें आपको ड्रोन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, राइट. सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. यू कैन सी दिस रुस्तम ऑल्सो. दिस इज रुस्तम 2 इज इंडियाज मैन मेड इंडियाज इंडिजीनियसली मेड ड्रोन. ठीक है, यू कैन सी दिस इमेज ऑल्सो, राइट. सो दिस इज ऑल फ्रॉम टूडेज video. I hope you do like this session. See you soon in my next class. Till then, stay blessed, good luck and have a nice day.